कार्रवाई करते हुए बदेसर थाने के कांस्टेबल को शांति भंग के आरोपी के साथ मारपीट नहीं करने और न्यायालय में जल्दी पेश करने की एवज में 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं प्रकरण में रिश्वत लेने में सहयोग करने वाले होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है। जिले के सावा निवासी हुसैन नामक व्यक्ति को बदेसर थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस थाने में उसके साथ मारपीट नहीं करने और न्यायालय में जल्दी पेश करने के एवज में कांस्टेबल सुरेश द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस पर परिजनों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ में शिकायत दर्ज कर सत्यापन की। उसके बाद में ब्यूरो की टीम ने ट्रेप की कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल होटल संचालक को 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में भ्रष्टाचार टीम द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई के साथ ही SHO की भूमिका के संबंध में भी जांच की जा रही है। ये सूचना थी परसों कि बदेसर पुलिस स्टेशन पे किसी सावा के एक व्यक्ति को बंद कर दिया गया है और उसके साथ कोई मारपीट भी हो सकती है। परिवादी लोगों ने उनसे संपर्क किया कि इनको जल्दी पेश करा दो, आपको कोई मारपीट वगैरह नहीं। तो वो कोई परिवादी हमारा था, वो SHO से मिला। SHO ने कोई डिमांड नहीं करी। SHO ने कहा ठीक है, हम देखते हैं आप अभी। उसने कहा जल्दी पेश कराओ, तो ठीक है आप CCTV काम जो है वो सुरेश देखता है, सुरेश से मिला। तो वो सुरेश से मिला, तो सुरेश ने जो थाने का कांस्टेबल है सुरेश कुमार, उन्होंने 15,000 रुपये की डिमांड की, जिस पर आज हमने ट्रैप कार्रवाई करी। जब सुरेश से हमने संपर्क किया तो सुरेश ने पहले बोला कि तुलसी होटल पे दे दो, फिर बोला घोड़ा चौराहे पे आ जाओ, फिर बोला वहाँ एक दूसरी जगह बताई वहाँ आ जाओ, फिर लास्ट में बोला थाने पर आ जाओ। ऐसे करके 3-4 बार हमारे को इधर उधर बुलाया। जब थाने पर पहुँचे तो उसने परिवार जब अंदर गया तो उसको बोला कि बाहर जो कैलाश रेस्टोरेंट है वहाँ जो कैलाश जी है उनको दे दो। उसको उसने कैलाश जी को दे दिया। कैलाश जी से उनकी बात भी कराई तो कैलाश जी ने कहा ठीक है साहब, इन्होंने 15,000 रुपये दिए हैं, मैंने रख लिए हैं, तो उन्होंने 15,000 रुपये रख लिए। ब्यूरो की टीम ने पहुँच के उनको पकड़ा। कैलाश जी जो रेस्टोरेंट चलाते हैं फतेहसर में, उनसे 15,000 रुपये रिकवर किए। बिल पे वही थे जो परिवादी ने दिए थे, उन पर नंबर वगैरह लिखा हुआ था। अब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन जो अब तक हुई है उसमें सुरेश जी को और कैलाश जी को हम चौकी पर लेके आए हैं, उनसे इंट्रोगेशन वगैरह जारी है और उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है जिनको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। उनकी जो डिमांड है वो कहीं पर भी है नहीं। अब इन लोगों से इंट्रोगेशन करेंगे, क्या है क्या है उसमें कोई चीज़ आई नहीं बताया। हुआ ना सत्यापन, 15,000 रुपये डिमांड करी ना।